हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं तिलगुड़ गजक, इसे कहीं कहीं चमचम गजक भी बोलते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गजक बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम व्हाइट तिल, 200 ग्राम जागरी जिसको मैंने तोड़ लिए हैं, ये थोड़े से काजू है, दो बड़ी इलायची और थोड़े से पीनट। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले गैस ऑन करती हूँ, इसमें हम कढ़ाई रखेंगे, ऐसे गर्म होने लगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें तिल डाल करके इसे भूनेंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पे ही 2 मिनट तक भूनना है, इसे हम छोटे होकर नहीं भूनेंगे और इसे ज्यादा देर तक भी नहीं भूनेंगे। ज्यादा भूनने से इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा और कम भूनेंगे तो इसका कच्चापन का टेस्ट आएगा। देखिए इसमें क्रैकिंग साउंड आने लगी है, हमारा तिल भून गया है, अब हम इसे निकालेंगे। इसको भी रोस्ट करेंगे। देखिए पीनट भी हमारा भून गया है, अब हम गैस को ऑफ करते हैं। देखिए हमारा तिल ठंडा हो गया है, अब हम इसे पीसेंगे। थोड़ा सा हमने तिल इधर बचा लिया है, इसे हम गार्निशिंग करेंगे। तो हम इसे ढक्कन लगाते हैं। देखिए तिल पीस कर तैयार है, देख लीजिए। इसे हमें ज्यादा महीन नहीं करना था, अब हम इसमें जागरी डालेंगे। तो हम इसमें पूरी जागरी डाल देते हैं। ये दो हमारी बड़ी इलायची है जिसको मैंने पाउडर कर लिया, इसको भी इसमें डाल करके हम पीसते हैं। देखिए हमारे तिल गुड़ अच्छे से पिस गए हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गजक बनाकर हम इस थाली में निकालेंगे, इसलिए हमें थाली में पहले घी लगाकर थोड़ा सा कोटिंग करना है ताकि हमारा गजक थाली में चिपके नहीं। तो इस तरह से हमें चारों तरफ फैलाते हुए घी को लगा देना है। ज्यादा घी नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा एक कोटिंग करना है। कढ़ाई रखते हैं, अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी डालूंगी। देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें मैंने जो तिल गुड़ पीसा था अब इसमें मैं डालूंगी। अब मैं इसे चलाते हुए बस 1 मिनट के लिए हमें इसे चलाना है, अच्छे तरह से पूरा इसमें मिक्स हो जाए ताकि जो हमारा जागरी जो नहीं पिसने में मिक्स हुआ होगा या फिर जो कहीं ढेला रह गया होगा वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। हम फ्लेम को लो करते हैं, इसमें हम अपने पीनट डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। स्पेटुला में चिपकने लगा है, हमारी ये बन के तैयार है, अब हम इसे थाली में जमाएंगे। तो गैस को हम ऑफ करते हैं, अब हम इसे गरम गरम ही थाली में पलट लेंगे और इसको स्पेटुला से ही अच्छे से दबा दबा के फैलाएंगे। अब हम इसे भारी बर्तन से इसे दबाएंगे। आप कोई भी कटोरी से भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इसे गर्मा गर्म ही करना है, ठंडा हो जाएगा तो ये सेट हो जाएगा।
देखे सेट हो गया। अब हम उसमें जो तिल रखे थे इसको चारों तरफ फैला देंगे। मैंने इसे बहुत ही आसान ढंग से बनाने की कोशिश की है, इसे आप जरूर एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी है। देखिए हमारे ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद हम इसे किसी भी आप गोल बर्तन से काट सकते हैं। आपके पास अगर कटर हो तो कटर से काट सकते हैं, नहीं कटर हो तो कोई भी छोटा ग्लास या बाउल कुछ भी हो, बस ऐसे कोर वाला होना चाहिए ताकि अच्छे से कट सके। तो हम इसे 15 मिनट के बाद काटेंगे। देखिए हमारे 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे कट करके देखते हैं। देखिए हमारा गजक बनके तैयार है। इसे आप एक महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।